हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम मैथमेटिक्स इस टॉपिक के बेसिक थ्योरी इस सब टॉपिक के ऊपर सिक्स्थ क्विज लाए हैं। अब तक हमने 5 क्विज कंप्लीट कर चुके हैं, 5 क्विजेस आर कंप्लीट टोटली, ये सिक्स्थ क्विज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, अ कंप्लीट कवरिंग ऑफ ए प्लेन बाय वन और मोर फिगर्स इन ए रिपीटिंग पैटर्न लाइक मोसाइक्स with no overlapping or gaps between the figures is called। एक complete covering plane को करने के लिए by one or more figures, एक या दो या उससे ज़्यादा figures in repeating pattern में like mosaics with no overlapping, overlapping ना होके और gaps between the figure, और gaps ना देके और ना ही overlapping, तो उस figure को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 terricolus, ऑप्शन नंबर 2 terriginous, ऑप्शन नंबर 3 टेसेलेशन, ऑप्शन नंबर 4 इज टर्मिनेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टेसेलेशन। अ कंप्लीट कवरिंग ऑफ ए प्लेन बाय वन और मोर फिगर्स इन ए रिपीटिंग पैटर्न लाइक मोसाइक्स with no overlapping or gaps between the figures is called tessellation। उसे क्या कहते हैं, tessellation कहते हैं। और tessellation is a complete covering of a plane by one or more figures in a repeating pattern like mosaics with no overlapping or gaps between the figures। Next, question number 2, any number raised to the power 0 always equal to, किसी कोई भी number का अगर हम उसे एज ए रेस टू द पावर 0 लेंगे तो किसके इक्वल होगा। किसी भी नंबर का रेस टू द पावर 0 किसके इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 नंबर n इटसेल्फ, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 1 इज 0, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 इज नंबर n इटसेल्फ, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दिस। तो किसी भी नंबर का अगर रेस टू द पावर 0 किया जाए तो उसका आंसर क्या आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1, एनी नंबर रेस टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू द 1, और 1 इज द आंसर इफ एनी नंबर रेस टू द पावर 0 इक्वल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच अमॉन्ग दिस विल नॉट हैव और शो द हाइट ऑफ इट, नीचे देख में से किसका विल नॉट हैव और शो द हाइट ऑफ इट, जिसके पास हाइट नहीं है और वो हाइट शो नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 वन डायमेंशनल, ऑप्शन नंबर 2 टू डायमेंशनल 2D, ऑप्शन नंबर 1 वन डायमेंशनल, ऑप्शन नंबर 3 इज 3D, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से उसे किसके पास हाइट नहीं शो करता वो, और उसके पास है भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड थ्री डायमेंशनल विल नॉट हैव और शो द हाइट ऑफ इट, और दिस विल नॉट हैव और शो द हु विल नॉट हैव और शो द हाइट ऑफ इट इज थ्री डायमेंशनल 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसिंग टू और मोर लाइन्स आर नोन एज, जो एक स्ट्रेट लाइन है जो क्रॉस करते हैं दो और उससे ज़्यादा लाइन्स को, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसवर्सल, ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसफॉर्मल, ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रांसलेटर, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रांजिशनल। तो इन चारों में से उसे क्या कहते हैं, उस स्ट्रेट लाइन को जो क्रॉसिंग करते हैं टू और मोर लाइंस। तो मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसिंग टू और मोर लाइंस आर नोन एज ट्रांसवर्सल, ट्रांसफॉर्मल, ट्रांसलेटर एंड ट्रांजिशनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसवर्सल। अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसिंग टू और मोर लाइंस आर नोन एज ट्रांसवर्सल, जो स्ट्रेट लाइन क्रॉस करती है दो और मोर लाइंस को, क्रॉसिंग टू और मोर लाइंस आर नोन एज ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए चाइनीज पजल मेड अप ऑफ ए स्क्वेयर कट इनटू द 7 पीसेस
दैट कैन बी अरेंज टू मेक मेनी वेरिड शेप्स। उस चाइनीज पजल को जो मेड अप ऑफ होती है स्क्वेयर कट इनटू 7 पीसेस दैट कैन बी रीअरेंज टू मेक मेनी वेरिड शेप्स, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सिनग्राम, ऑप्शन नंबर 2 एनाग्राम, ऑप्शन नंबर 3 इज 10 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर 4 इज पेंटाग्राम। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 10 ग्राम। 10 ग्राम इज ए चाइनीज पजल मेड अप ऑफ ए स्क्वेयर कट इनटू 7 पीसेस दैट कैन बी रीअरेंज टू मेक मेनी वेरिड शेप्स, और चाइनीज पजल मेड अप ऑफ ए स्क्वेयर कट इनटू 7 पीसेस दैट कैन बी रीअरेंज टू मेक मेनी वेरिड शेप्स इज 10 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर्स 580000, यानी कि 580000 का साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 58 × 10⁻¹⁸, ऑप्शन नंबर 2 5.8 × 10⁻¹⁵, ऑप्शन नंबर 3 इज 58 × 10⁻⁴, और ऑप्शन नंबर 4 इज 5.8 × 10⁻⁵। तो इनमें से किस कौन सा आंसर सही है जो कि साइंटिफिक नोटेशन है इस नंबर का 580000, 580000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5.8 × 10⁵। 5.8 × 10⁵ इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर्स 580000, और द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर 58000 इज 5.8 × 10⁵। इसका सिंपल एक टेक्निक होती है, जो नंबर होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, मतलब लेफ्ट हैंड राइट से अगर हम राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट साइड हम जाएं तो हमें जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर मिलता है, पहला नॉन ज़ीरो नंबर मिलता है, तो उसके बाद जो लेफ्ट का लेफ्ट में सबसे जो बाहर का नंबर मिलता है तो उसको हम कंपेयर करेंगे 0 to 9 से, यानी कि 0 1 to 9 1 to 9 अगर कोई नंबर हो, जैसे इस नंबर को अगर हम कन्वर्ट करें 5 to 1 to 9 तो हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे कि 5.8 में कन्वर्ट किया तो 5.8 को कितने 10⁻¹⁵ से हमें मल्टीप्लाई करना होगा जब हमें 5.8 लाख मिलेंगे। तो उस तरह से हमें 5 बार 10 × 10⁻¹⁵, यानी कि 10,000 हमें 10,000 को एक्चुअली 1 लाख 10⁻¹⁵, यानी कि 1 लाख, तो उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5.8 से, तब हमें मिलेगा 580000, यानी कि 5,80,000। तो इस तरह से हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे मैं थियोरेटिकली समझाया है, कभी आने वाले वीडियोस में मैं प्रैक्टिकली भी इसे समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स विच द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये दो एंगल्स है विच द सम ऑफ देयर मेजर इज, अगर उनकी सम हम लेंगे तो उसकी मेजर कितनी आएगी? ऑप्शन नंबर 1 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 इज 270 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 360 डिग्री। द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द टू एंगल्स विच द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तो उसकी मेजर कितनी आती है? 135 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप फाइंड कर सकते हैं अपनी जो नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज उस पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द टू एंगल्स विच द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये दो एंगल्स की एक जोड़ी होती है जिसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, तो उनकी सम कितनी होनी चाहिए? तो उनकी सम 180 डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्लेस होल्डर फ्रॉम द इक्वेशन 5 + a + 10 = 25। नीचे दिए गए में से प्लेस होल्डर कौन सा है जो इक्वेशन में 5 + a + 10 = 25। तो जो इक्वेशन है 5 + a + 10 = 25, उसमें प्लेस होल्डर कौन है? तो उसमें से प्लेस होल्डर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 a, ऑप्शन नंबर 3 इज 10 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 25। तो इन चारों में से कौन सा प्लेस होल्डर है इक्वेशन में 5 + a + 10 = 25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 a। a इज द प्लेस होल्डर इन द इक्वेशन 5 + a + 10 = 25। जो इक्वेशन दिया गया है 5 + a + 10 = 25, उसमें a इसे प्लेस होल्डर का दर्जा दिया है, यानी कि वो प्लेस होल्डर है इक्वेशन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 a। a इज द प्लेस होल्डर फ्रॉम द इक्वेशन 5 + a + 10 = 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट ए प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 30। नीचे दिए गए में से कौन सा प्राइम फैक्टर नंबर नहीं है 30 का, नंबर 30 का प्राइम फैक्टर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 5 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 10। तो इन चारों में से कौन सा प्राइम फैक्टर नहीं है नंबर 30 का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 10। 10 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 30 और इट इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 30 एंड दैट इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ए जंक्शन अ पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स इंटरसेक्ट। जंक्शन क्या है जहाँ पे अ पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स इंटरसेक्ट, जहाँ पे स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे? ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 नोड, ऑप्शन नंबर 3 कोड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टोड। तीन चारों में से उस जंक्शन को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ पे स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में फिर से दोहराता हूँ, बोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 नोड, ऑप्शन नंबर 3 इज कोड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टोड। तो इसका सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नोड। नोड इज ए जंक्शन अ पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स इंटरसेक्ट, और अ जंक्शन अ पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स इंटरसेक्ट इज ए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर नंबर्स दैट ऐड अप टू 0 विथ एनी नंबर्स -5 + 5 = 0 कॉल। उन नंबर्स को क्या कहते हैं जो ऐड होते हैं अप टू 0 विथ एनी नंबर से ऐड होते हैं कॉल्ड, जैसे -5 + 5 = 0 कॉल्स। उसके ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑप्शन नंबर 2 रैशनल नंबर्स, ऑप्शन नंबर 3 इज अपोजिट नंबर्स एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कंपोजिट नंबर। तो इन चारों में से कौन सा उसका सही आंसर है ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अपोजिट नंबर्स। अपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स दैट ऐड अप टू 0 विथ एनी नंबर्स -5 + 5 = 0 कॉल्ड। अपोजिट नंबर्स क्या है, ये एक नंबर्स है जो ऐड अप टू 0, वो 0 में ऐड होते हैं अप टू द 0 विथ एनी नंबर्स, 0 में 0 जब तक मिलता नहीं तब तक वो ऐड होते रहते हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द स्कैलिन इज ए ट्राइंगल विथ ईच साइड इन। स्कैलिन ये क्या है, ये कौन सा ट्राइंगल है विथ ईच साइड इन, जिसमें जो साइड की लेंथ होती है वो क्या होती है, सेम लेंथ
इस साइड की लेंथ कैसे होती है, सेम होती है, डिफरेंट लेंथ यानी कि उनकी साइड्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, सेम एंगल सभी में सेम एंगल होता है, ये ऑप्शन नंबर फोर, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास हुए 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, डिफरेंट लेंथ। द स्कैलिन इज ए ट्राइंगल विथ ईच साइड इन डिफरेंट लेंथ। स्कैलिन एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड डिफरेंट लेंथ की होती है, और द स्कैलिन इज ए ट्राइंगल विथ ईच साइड इन डिफरेंट लेंथ हु हैव नो इक्वल लेंथ ऑफ एनी साइड्स, यानी कि किसी भी दो साइड्स की लाइन लेंथ इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ 90-degree आर्क रिप्रेजेंटिंग 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड। एक 90-degree आर्क जो रिप्रेजेंट करता है 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है उसे 1/4 जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का उसे रिप्रेजेंट करता है 90-degree आर्क, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्वार्टर, ऑप्शन नंबर 2 क्वाड्रंट, ऑप्शन नंबर 3 इज क्वाड्रपल, ऑप्शन नंबर 4 इज क्वाड्रप्लेट। तो इन चारों में से उसे क्या कहते हैं। 90-degree आर्क रिप्रेजेंटिंग 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वार्टर, क्वाड्रंट, क्वाड्रपल और क्वाड्रप्लेट। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, इसे फाइंड करने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्वाड्रंट। 90-degree आर्क रिप्रेजेंटिंग 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रंट, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंड ड्रॉ एंगल्स। नीचे देखिए उसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये यूज किया जाता है मेजर और ड्रॉ करने के लिए एंगल्स, एंगल्स ड्रॉ और मेजर करने के लिए नीचे देखिए उसे किसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। रूलर, तो मैं ऑप्शंस बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 रूलर, ऑप्शन नंबर 2 सेट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 इज प्रोट्रैक्टर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टेम्प्लेट। इन चारों में से कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है मेजर और ड्रॉ एंगल्स, एंगल्स ड्रॉ और मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 रूलर, ऑप्शन नंबर 2 सेट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 इज प्रोट्रैक्टर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टेम्प्लेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एंड ड्रॉ एंगल्स। प्रोटेक्टर ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है मेजर और ड्रॉ एंगल्स के लिए, यानी कि एंगल्स ड्रॉ और मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 फ्रॉम द नंबर 8786520490। जो 5 की प्लेस वैल्यू है इस नंबर पे वो कौन से है, 8786520490। ये जो नंबर दिया गया हुआ है वहाँ पे जो 5 की वैल्यू है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 100,000, 1,00,000, मिलियन, 10,000,000 या 100,000,000। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, लाख या फिर मिलियन या फिर 10,000,000 या फिर 100,000,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 100,000 यानी कि 1,00,000। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 फ्रॉम द नंबर 8786520490। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 100,000 यानी कि 1,00,000। 1,00,000 एंड 100,000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 फ्रॉम द नंबर 8786520490। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल और स्पीयर टू इट्स सर्कमफेरेंस नोन एज। जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, सर्कल के सेंटर से और स्पीयर के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक का, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1
रेडियस, ऑप्शन नंबर टू रेडियंट, ऑप्शन नंबर थ्री इज रेडियंट एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो इन चारों में से उसका आंसर कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन रेडियस। रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ ए सर्कल और स्पीयर टू इट्स सर्कमफेरेंस नोन एज। जो डिस्टेंस होता है सेंटर सर्कल के सेंटर से और स्पीयर के सेंटर से उनके सर्कमफेरेंस तक का, उसे रेडियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। नीचे दिए में से कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है? ऑप्शन नंबर वन रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर टू रोम्बस, ऑप्शन नंबर थ्री इज पेंटागॉन एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज स्क्वायर। इन चारों में से कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। क्वाड्रिलेटरल यानी कि उसकी चार साइड्स हैं, चार एंगल्स हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड पेंटागॉन। पेंटागॉन इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। पेंटागॉन क्वाड्रिलेटरल नहीं है, उसके पास फाइव साइड्स हैं और पांच एंगल्स हैं और बाकी के रेक्टेंगल रोम्बस और स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हैं क्योंकि उनके पास फोर एंगल्स और फोर साइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। नीचे दिए में से कौन सा पैलिंड्रोम नंबर नहीं है? ऑप्शन नंबर वन 1991, ऑप्शन नंबर टू 2002, ऑप्शन नंबर थर्ड 2112 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 2020। इस क्वेश्चन का पैलिंड्रोम यानी कि जो आगे से लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप उसे पढ़ेंगे तो भी वो सेम ही रहेगा और राइट हैंड साइड से भी पढ़ेंगे तो भी वो सेम ही रहेगा। 1991 ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू 2002, ऑप्शन नंबर थर्ड 2112, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 2020। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है ये हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ 2020। 2020 इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। 2020 पैलिंड्रोम नंबर नहीं है क्योंकि अगर आप उसे लेफ्ट साइड से आप पढ़ेंगे तो 0202 रहेगा और राइट हैंड से पढ़ेंगे तो 2020, यानी कि वो सही नहीं है, दोनों तरफ से सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ और सीक्वेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल। जो ऑर्डर अरेंजमेंट होता है और सीक्वेंस होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का उसे क्या कहते हैं? परपेट्यूशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या पैटर्न, इन चारों में से क्या कहा जाता है? एन ऑर्डर अरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल उसे क्या कहते हैं? परपेट्यूशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या पैटर्न। तो इन चारों में से आंसर फाइंड करने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एन ऑर्डर अरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल परम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ए मैकेनिकल प्रोसीजर टू वर्क आउट अ गिवन कैलकुलेशन और सॉल्विंग प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स सच एज लॉन्ग डिवीजन, फाइंडिंग HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेट्रा नोन एज। मैकेनिकल प्रोसीजर टू वर्क आउट ए गिवन कैलकुलेशन और सॉल्विंग प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स सच एज लॉन्ग डिवीजन, फाइंडिंग HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेट्रा नोन एज, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर वन अल्गोल, ऑप्शन नंबर टू अल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर थ्री लॉगारिदम, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो इन चार में से उसका सही आंसर कौन सा है? ये एक मैकेनिकल प्रोसीजर होती है टू वर्क आउट अ गिवन कैलकुलेशन और सॉल्विंग प्रॉब्लम।
वर्कआउट करने के लिए जो गिवन कैलकुलेशन और सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए इन्हें सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में सच एज लॉन्ग डिवीजन करना, फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एक्सेट्रा, उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अल्गोरिदम। अल्गोरिदम इज ए मैकेनिकल प्रोसीजर टू वर्क आउट अ गिवन कैलकुलेशन और सॉल्विंग प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स सच एज लॉन्ग डिवीजन, फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेट्रा। और अ मैकेनिकल प्रोसीजर टू वर्क आउट अ गिवन कैलकुलेशन और सॉल्विंग प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स सच एज लॉन्ग डिवीजन, फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर एक्सेट्रा, नोन एज अल्गोरिदम। तो इसी तरह से 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए मैथ के, इस टॉपिक के बेसिक थ्योरी सब टॉपिक के। ये 6th क्विज था उसका, बेसिक थ्योरी इस टॉपिक सब टॉपिक का, और 6th क्विज हमने कंप्लीट कर लिया, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ आप अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू देता है, आपको कोई मदद करता है और आपको कोई नॉलेज देता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पढ़ाई में लगाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।